गजा में क्या हो रहा है, वो बम पे बम मार रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही अच्छा चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था कि इस वक्त एक इंसानी सिचुएशन डेवलप हुई हुई है। ये कॉन्फ्रेंसें कर करके बड़े बड़े चौकों में या इंडोर कॉन्फ्रेंसें कर करके इस इंसानी सिचुएशंस का जवाब दिया जा सकता है? आया इसके नहीं, आप इसको इस तरह नैरो फोकस ना करें ना। यूनाइटेड नेशंस अवेलेबल हैं, वहाँ वर्क बुक अवेलेबल है, वहाँ दुनिया में इजरायली जो ज्यादती हो रही है वहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट, उसके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो चुका हुआ है। सर पब्लिक ओपिनियन तो बहुत बिल्ड हुआ पूरे वेस्ट में बहुत बड़े बहुत बड़े हुआ है, बहुत और मुसलमान मुल्कों में भी बहुत हुआ है। अब वक्त है उन कंट्रीज का जिन पे अखलाकी जिम्मेदारी भी है, जिन पे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर्स होने की जिम्मेदारी भी है, और जिन्होंने वैसे भी अपने आप को ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स का तंग दिया हुआ है। सर जो दुनिया जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्हीं की है, जो इस वक्त वर्ल्ड लीडर होने का दावेदार है, दावेदार और दूसरे इस्लामिक लीडर जो हमारे इस्लामिक उम्मा के जो लीडर्स हैं उनका और वर्ल्ड लीडर्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी तरफ आऊंगा, कहना चाह रहा था कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक सेकंड के लिए इसको अगर आइडियोलॉजी को हम साइड पे रख दें, तो अब अगर इस्लामिक कंट्रीज रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, जो कि गाजा के या फलस्तीन के लोग मेजॉरिटी जो इस वो सफ़र कर रहे हैं वो मुसलमान हैं, तो हमारे ये जो 52 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के, इन पे भी जिम्मेदारी आती है कि ये जाके यूनाइटेड नेशन के दरवाजे पे नॉक करें।